सो गाइज, आज लेकर आई हूँ मैं स्वेट प्रूफ मेकअप करने की हैक्स, जिससे आप ये मेकअप लुक जो है वो अचीव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो जो है वो पूरा देखना गाइज। तो सबसे पहले स्किन को प्रेप करना ज़रूरी है, तो स्किन में सबसे पहले मैंने टोनर लगाया है, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, और अगर आप दिन में जा रहे हैं तो भाई सनस्क्रीन लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। उसके बाद बारी आती है हमारे स्किन को स्वेट प्रूफ बनाने के लिए, उसके लिए प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, पोर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ गाइज। इससे क्या है, एक तो पोर्स भी मिनिमाइज होते हैं और मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसके बाद मेकअप फिक्सर पहले लगा रही हूँ मैं, जिससे कि ना मेकअप अच्छे से स्टे करे लंबे टाइम के लिए। एंड देन आई एम यूजिंग माई कंसीलर फटाफट से। एंड उसके बाद ना फाउंडेशन लगाने से पहले ये नेक्स्ट हैक है, ब्लश को ना एकदम से बढ़िया बनाने के लिए कि ब्लशी चीक लगे और नेचुरल लगे, तो मैंने लिपस्टिक पहले लगाई है, उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन लगाया है और उसको ब्लेंड कर दिया है। एकदम से ना आपके चीक जो बिल्कुल नेचुरली होते हैं ना, वैसे फील आएगा आपको, बहुत ही अच्छा फील लगता है ये, और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत टाइम तक स्टे करेगा। अब आता है काजल। सबसे मुसीबत आती है भाई इस स्वेट के मौसम में, काजल फैल जाता है। तो सबसे पहले मैं काजल लगा रही हूँ, इसका भी मतलब आपके काजल को ना बिल्कुल मस्त रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसको स्मच करना है काजल को। और अब आता है हमारा सबसे बढ़िया हैक, इसमें मैं वाटरप्रूफ आईलाइनर उसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे आपका काजल ना कहीं नहीं जाने वाला और आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी इससे। यू कैन सी कितना चेंज आइज़ में आ गया एकदम से लगाते ही। सो दिस इज़ वेरी नाइस हैक, मैं इसको बहुत ट्राई करती हूँ, और गर्मियों के मौसम में काजल इंटैक्ट रहता है। अब इसके ऊपर हम ब्लश पाउडर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पाउडर प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो ब्लश जो मैं लगा रही हूँ और हाईलाइटर भी जो लगाऊंगी, वो सब मैं पाउडर वाला ही लगा रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एकदम चीक्स बहुत प्यारे लग जाते हैं। थोड़ा सा टेंट देने के लिए आईज़ में मैं इस पर ग्लिटर लगा रही हूँ हल्का सा, जिससे आईज़ एकदम से पॉपअप होती है। पार्टी मेकअप जब भी करो, मैंने कोई आई शेडो नहीं लगाया है, फिर भी आईज़ एकदम से पॉपअप करेंगी अगर आप थोड़ा सा इसमें ग्लिटर लगा लेंगे तो, अमेजिंग सा। उसके बाद मेकअप फिक्सर लगा रही हूँ मैं हाइलाइटर लगाने से पहले। मेकअप फिक्सर लगाने के बाद आप हाइलाइटर लगाएंगे ना, तो देखना एकदम से चेहरा एकदम रौनक, क्या देखो ना, एकदम से प्यारी सी लाइट पड़ी है उस पर, इतना अच्छा मेकअप हो गया ना गाइस। सो दिस इज़ हाउ आई डू माई मेकअप। और तो देखो एकदम से हाईलाइटेड, एकदम से चेहरे की ना चमक ही बढ़ गई है। उसको हाई एंड्स पे लगाना है हाईलाइटर उसको हमें हमेशा। और इसके बाद ये जो एक पासा लगाना था मुझे, बिकॉज मैं ईद मेकअप लुक कर रही थी, तो इसको लगाने के लिए ना मेरे पास ईयरिंग्स थे, मेरे पास नहीं था पासा, तो मैं वो ईयरिंग को ही एक टिकटैक की मदद से लगा रही हूँ। एंड इट विल लुक रियली नाइस, आपको पूरा ईद मेकअप लुक को ना एक और एनहांस कर देता है पार्टी मेकअप को। सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस। ये भी बहुत अच्छा हैक है इसको लगाने का। और फाइनली मैं लगाती हूँ गाइज अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, जिससे ना पूरा मेकअप सेट हो जाता है, एक्स्ट्रा पसीना भी सोख लेता है ये, जो भी होता है ना एकदम से फ्रेश लगता है। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइज। एंड ये हैक्स ट्राई करके ना गाइज आपको अमेजिंग सा मेकअप तो मिलेगा ही, एंड दैट विल बी स्वेट प्रूफ ऑल्सो, तो आप इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। पार्टी में तो ये चार चांद लगा देगा चेहरे पे, एकदम से ना बहुत ही प्यारा रहता है और मेकअप बिल्कुल सही रहेगा आपका। सो ये हैक ज़रूर ट्राई करें।